नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम कार्तिके कंवर है और आप सबका स्वागत है क्रिप्टो करेंसी के डॉट कॉम पे। आज की वीडियो का टाइटल है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हार्ड फोक एंड सॉफ्ट फोक। सॉफ्ट फोक और हार्ड फोक के अंदर डिफरेंस क्या है। बहुत से लोगों को बहुत कन्फ्यूजन है कि ये क्या होता है और इसके अंदर किस तरीके से करेंसी काम करती है और इसका फ्यूचर क्या होता है और इसका क्या इफेक्ट पड़ता है उस पर्टिकुलर करेंसी के जिसके अंदर ये हार्ड फोक और सॉफ्ट फोक हो रहा है। देखिए, सिंपल लैंग्वेज आपको समझाऊंगा इस वीडियो के अंदर कि सॉफ्ट फोक क्या है। सॉफ्ट फोक मतलब सॉफ्टवेयर अपडेशन। कोई भी पर्टिकुलर इथेरियम के या किसी भी करेंसी के ब्लॉकचेन के अंदर अगर कोई सॉफ्टवेयर में अपडेशन हो रहा है तो वो एक सॉफ्ट फोक है। मतलब कि मेरे पास पुराना वर्जन है विंडोज़ एमएस ऑफिस का और आपके पास नया वर्जन है, तो मैं अगर नए वर्जन में अपडेट करूँगा तो मैं नए फीचर्स के साथ उसको यूज़ कर सकता हूँ, और मैं पुराने वर्जन पर रहूँगा तो मैं पुराने फीचर्स ही रख सकता हूँ, मेरे को नए फीचर में एक्सेस नहीं कर सकता हूँ। पर हम दोनों एक दूसरे के डॉक्यूमेंट ओपन कर सकते हैं, पर हम नए फीचर्स को उसमें नहीं देख सकता हूं अगर मेरे पास पुराना वर्जन है। तो अगर मुझे पुराना वर्जन है मेरे पास तो मैं नए फीचर्स नहीं देख सकता, पर मेरे पास एक ऑप्शनल अपडेट है, मैं चाहूं तो उसको करूं ना, नहीं चाहूं तो नहीं करूं। अगर नहीं करता तो मैं कुछ फीचर्स हैं जो उसमें है, नए हैं, वो एक्सेस नहीं कर पाऊंगा। बस इतना ही डिफरेंस होता है सॉफ्ट, इतना ही यही मतलब है सॉफ्ट फोक का। अगर आप अपडेट करते हैं तो आप नए फीचर्स को भी एक्सेस कर सकते हैं, पर हार्ड फोक बिल्कुल डिफरेंस है। हार्ड फोक क्या है बेसिकली? हार्ड फोक मतलब कि एक ब्लॉकचेन है, एक जो चलती आ रही है वो आगे जाके स्प्लिट हो जाती है, वो दो ब्लॉकचेन अलग अलग डायरेक्शन में मूव करने लग जाती हैं, और जब वो अलग अलग डायरेक्शन में मूव करती हैं तो उसकी जो टेक्नोलॉजी है, जो वो डिफरेंस हुआ है, वो जो पहले अब तक ठीक था। सपोज कर एग्जाम्पल लेते हैं कि 30th जनवरी को हार्ड फोक हुआ, 1st जनवरी को करेंसी लॉन्च हुई। एग्जांपल, 1st से 30th तक जो भी मैंने ट्रांजैक्शन करी, एग्जांपल मैंने 100 कॉइन भेजे, 50 कॉइन मिले, फिर मैंने 150 भेजे, तो जो भी मैंने ट्रांजैक्शन करी वो कॉमन है, वो 30th जनवरी तक दिख रही है। 30th जनवरी को स्प्लिट हुआ, हार्ड फोक हुआ इसके अंदर, तो दो लेग्स, दो अलग अलग डायरेक्शन में वो मूव करना शुरू हो गया। जब वो दो अलग डायरेक्शन में मूव करना शुरू हुआ तो इससे पहले जो भी 30th जनवरी तक जो भी हुआ था वो कॉमन रहेगा, उसके बाद जो ट्रांजेक्शन होंगी वो अलग अलग उसमें चलेंगी। सपोज करो ए ओल्ड है और बी नया है, तो ए के अंदर मैंने 30th जनवरी को 50 कॉइन रिसीव करे और 70 मैंने भेजे, तो ये जो ट्रांजेक्शन है ये बी में नहीं आएगी, ये सिर्फ ए में रहेगी। तो दोनों का ब्लॉकचेन अलग हो जाएगी, दोनों की टेक्नोलॉजी अलग हो जाएगी, दोनों एक तरीके से स्प्लिट हो जाएंगे। जब ऐसा होता है तो होता क्या है? देखिए, ये हार्ड फोक जब ये अपडेशन होती है, ये मेजर अपडेशन होती है, इस तरीके से आपने देखा होगा इथेरियम के अंदर इथेरियम क्लासिक बना, तो इस तरीके से जब हार्ड फोक होता है तो दो करेंसी स्प्लिट हो जाती है। स्प्लिट होने के वो अलग अलग ब्लॉकचेन पे चलना लग जाती है। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप पुराने पे ही रहना चाहते हैं या नए पे शिफ्ट होना चाहते हैं। मोस्ट ऑफ द केसेस में लोग नए पे शिफ्ट होते हैं बिकॉज मैक्सिमम लोग उस पे आ जाते हैं, और अगर आप नए पे ना शिफ्ट हो तो चांसेस ये होता है कि पुराने की वैल्यू डाउन होनी शुरू हो जाती है, बिकॉज टेक्नोलॉजी जो है, जो हैश पावर है, मोस्टली नए पावर चले जाता है और पुराना उस तरीके से रहता है। तो ये दोनों केसेस हैं, पर जब तक स्प्लिट होता है तो प्रॉपर तरीके से वो डिवाइड होता है इक्वली दोनों में, उसके बाद जो भी ट्रांजेक्शन होंगी वो उस ब्लॉकचेन के अंदर रिकॉर्ड होंगी। अगर आप नए पे शिफ्ट होते हैं तो आप नए वाले को एक्सेस करेंगे, और आपको पुराना वाला भी अगर आप रखना चाहें तो वो भी रख सकते हैं। मतलब कि आपके ऊपर वो डिपेंड करता है आप किस तरीके से लेके चलना चाहते हैं उसको। अगर आप नए पे नहीं शिफ्ट होते हैं और अगर आप पुराने पे कंटिन्यू करते हैं तो आप पुरानी ही टेक्नोलॉजी और पुराने ही ब्लॉकचेन पे रहेंगे। उसमें रिस्क ये होता है कि मोस्ट ऑफ द पीपल शिफ्टेड टू द न्यू वन, तो पुराने वाले का रेट, पुराने वाले की करेंसी का जो रेट है वो डाउन होता है, क्योंकि अलग अलग दो डिफरेंट करेंसी बन जाती है। तो ये होता है हार्ड फोक। तो इसके बारे में और डिटेल में जानने के लिए आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मेरी वेबसाइट में रजिस्टर कर सकते हैं और इसकी जानकारी आप मेरे से ले सकते हैं। मेरी वेबसाइट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे क्रिप्टो करेंसी के डॉट कॉम के अंदर आप रजिस्टर करें। कीप वॉचिंग गाइज, कीप ग्रोइंग।